इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrustee.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, बीएसआर, श्री विद्या सागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रिहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, बीएसआर, श्री विद्या सागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, बीएसआर, श्री विद्या सागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधु अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधु रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। बोलिए 24 सितंबर भगवंतों की। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य निवेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की। सभी एलक छुलनक वृंदों की। तीर्थराज समेत शिखर जी की। अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय जय। जगत ज्येष्ठ, जगत श्रेष्ठ आजत भगवान विद्यासागर जी महाराज के आगम निपुण शिष्य, परम पूज्य पुरातन प्रणेता, शंकर समय प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक, संप्रेक्षण, परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी की निश्रा में आप सब विराजमान हैं और वे सारे लोग विराजमान हैं टीवी के समक्ष, जो पारस चैनल, जनवाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान सुमधुर वाणी में प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहे हैं, अपने जीवन को उन्नत कर पा रहे हैं। ऐसे श्री गुरु के चरण से हम जुड़े उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिय नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए सादर इच्छामी निवेदन करता हुआ स्वरूप सागर जी से निवेदन कर रहा हूं कि महाराष्ट्री मंचासीन मुनिराजों के शंकाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिए, शुभारंभ कीजिए। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी, इच्छामी। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान रूपी शीतलता प्राप्त कराएं। नमोस्तु। केवली भगवान तेरवे गुण स्थान बरती जो रहते हैं उनके मन का अभाव माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि द्रव मन होता है, भाव मन नहीं होता, या भाव मन होता है, द्रव मन नहीं होता। और उनके जो विहार आदि या देवध्वनि आदि वो बिना मन के कैसे खिरते हैं, कृपया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, सैद्धांतिक सवाल है। केवली भगवान हम सामान्य प्राणियों से बिल्कुल पृथक होते हैं। हम लोगों की जो भी प्रवृत्तियाँ होती है वो इच्छा पूर्वक होती है। हमारी सारी प्रवृत्तियों का मूल मन है और केवली भगवान मन के पार चले गए, वो ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर ली। इसलिए अब उनके साथ मन की कोई भूमिका नहीं होती। हाँ, मनोयोग है, क्योंकि उनके साथ
मन निमित्तक परिस्पंदन है, मनोवर्गनाओं के आलंबन निमित्तक परिस्पंदन है, इसलिए मनोयोग कहा जाता है। लेकिन मन का प्रयोग नहीं, योग होना अलग बात है, प्रयोग होना अलग बात है, वहाँ प्रवृत्तियाँ नहीं होती, केवल अवर्गनाओं का आलंबन होता है। इसलिए कहते द्रव्य मन है, भाव मन नहीं। इसलिए अब जो सवाल है उनकी प्रवृत्ति कैसे होती, तो कहते काय वांग मनसा प्रवृत्तियो ना भवस्तो मुनिश्चिकित्सया ना समीक्ष भवता प्रवृत्तियो धीर तावकम अचिंत मिहितम। हे भगवान, आपके शरीर मन और वचनों की जो प्रवृत्ति है वो ना भवस्तो मुनिश्चिकित्सया, वो चिकित्सा यानी इच्छापूर्वक आपकी ये प्रवृत्तियाँ नहीं होती, और फिर भी आपकी प्रवृत्ति गलत नहीं होती, ये आपकी अचिंत महिमा है, तो केवल ही भगवान के ज्ञान का प्रताप है। वो मन के ऊपर उठ चुके हैं, मन का योग है पर मन का प्रयोग नहीं। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी निर्वेक प्रश्न प्रेषित करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, एक महानगर में एक बहुत संपन्न परिवार में हमारी आहारचर्या संपन्न हुई, और उसके बाद पूरा परिवार हमें जब छोड़ने के लिए वापस आया तो उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दो, हमारी बेटी की अच्छी नौकरी लग जाए। तो हमने उस बेटी से पूछा, बेटा इतना तेरे करोड़पति परिवार में तेरा जन्म हुआ है, और पिता अच्छे से विवाह करोड़पति परिवार में कर सकते हैं, फिर तुझे नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? तो उसने जवाब दिया, महाराज जी कहीं शादी के बाद हमारी तलाक हो गई तो हम क्या करेंगे, और दूसरी बात यह है कि हमें पैसे के लिए पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है। जैसे हमें वस्त्र लाना हो, सामान खरीदना हो, तो हर चीज़ हमें पति देव से मांगनी पड़ेगी। यदि हम स्वयं कमाने लग जाएंगे तो हमें पुरुषों की पराधीनता से हम बच जाएंगे और स्वतंत्रता से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए नौकरी करना और पैसा कमाना इस युग में बहुत अनिवार्य है। क्या इतिहास भी इस बात की परिपुष्टता करता है? कृपया समाधान करके। देखिए, बड़ा विचित्र प्रश्न है, और ये आज के लोगों की मनोवृत्ति को प्रकट करता है। विवाह हुआ नहीं, तलाक की बात पहले आ गई। यही जो नकारात्मकता है वो हम सबके लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ। पहले तो कोई सपने में भी तलाक की बात नहीं सोचते थे, और अभी जो प्रश्न उपस्थित हुआ उसमें शादी के पहले ही तलाक की बात आ गई। तो इन सब की मूल वजह संस्कारों का अभाव। आज के समय जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का उद्देश्य है लर्निंग और अर्निंग। शुरू से इस तरह इस मानसिकता से पढ़ाई की जाती है कि हम पढ़ लिख कर एक अदद नौकरी पा लें। पहले लोग पढ़ते थे तो पढ़ने का उद्देश्य आदमी बनने का होता था, अब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी पाना हो गया। यानी अब आदमी बनने की इच्छा कम, नौकर बनने की चाह ज़्यादा जग गई। ये अंग्रेजों के कूटनीति का कुपरिणाम अब सामने उभर कर आया। अंग्रेजों ने जो नई शिक्षा नीति अपनाई थी वो इसी मानसिकता से अपनाई थी, क्योंकि उन्हें बाबुओं की ज़रूरत थी, सो आज उनने बाबू बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। चाहे वो IITian हो चाहे कोई, सबकी एक ही मानसिकता, एक अदद नौकरी। ये मानसिकता बिल्कुल बदलनी चाहिए। जहाँ तक विवाह की बात है और लड़कियों के पढ़ने लिखने का सवाल है, लड़कियों को अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए, योग्य बनना चाहिए, कला गुणों में निपुण होना चाहिए, पर पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य नौकरी करना नहीं।
पढ़ाई लिखाई केवल इसलिए करना चाहिए कि कल कहीं कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो मुझे मोहताज ना होना पड़े। कई शस्त्र विद्या में निपुण थी, जरूरत पड़ने पर दशरथ का साथ दिया। लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा तो पहले से युद्धाभ्यास किया होगा, सीखा भी होगा ना। मौका बढ़ने पर हथियार उठाई और सबको लोहा मनवाया, पर जब तक उनके पति जीवित थे झांसी की रानी ने हथियार नहीं उठाया ना। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, पति के रहते ही झांसी की रानी बन रही, ये गड़बड़ है। जरूरत पड़ने पर काम करना समझ में आता है, लेकिन शुरू से ऐसी मानसिकता बना लेना बहुत बड़ी नाश समझी है। और इसके कारण आज परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन तहस नहस हो रहा है। ये हमारे समाज के स्वास्थ्य की दृष्टि से कतई अच्छी बात नहीं। लड़की को विवाह के बाद तलाक की बात तो सोचना ही नहीं चाहिए। हमने तो पूरा जीवन बिताने के लिए विवाह किया है, तलाक के लिए थोड़ी। हमारा विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट मात्र नहीं है, हमारा विवाह जीवन की आखिरी सांस तक निभाने का संबंध है। तलाक तो हमारी संस्कृति में कलंक है। दो ही मार्ग हमारे देश में बताया गया, या तो विवाह या वैराग्य, या तो पहले ही वैराग्य अंगीकार कर लो और विवाह के बाद तुम्हारे अंदर वैराग्य हुआ तो तुम साधु साध्वी बनकर अपना संबंध बदल सकते हो। लेकिन तलाक करके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, और एक को छोड़कर दूसरे के साथ गठबंधन करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब पाश्चात्य परंपरा का कुप्रभाव है। हमें ऐसी मानसिकता बदलनी चाहिए और ऐसे संपन्न घराने के लोगों को, लड़कियों की बात तो जाने दीजिए, लड़कों के लिए भी नौकरी की मानसिकता से विकसित नहीं करना चाहिए। हमें जॉब करने की जगह जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। हम नौकरी करें नहीं, लोगों को नौकरी देने लायक बने। नौकरी केवल उन परिस्थितियों में करनी चाहिए जब परिवार की व्यवस्थाएं अनुकूल ना हो, हमारा अपना कोई व्यापारिक बैकग्राउंड ना हो, ऐसी कोई पृष्ठभूमि ना हो, तब नौकरी करना तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन नौकरी 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 ये कतई उचित नहीं है। तो चाहे बेटा हो या बेटी, सबकी परवरिश ठीक रीति से करनी चाहिए। अब रहा सवाल कि हम सेल्फ डिपेंड रहें, पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े, समझ गए? तो मैं ये कहूँगा यह मानसिकता भी ठीक नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंड हैं। सेल्फ डिपेंड होने की बात नहीं, तुम्हारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। अगर नौकरी पैसा अंगीकार कर भी लिए तो केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता होगी ना। क्या किसी नौकरी पैसा स्त्री को अपने पति की जरूरत नहीं है? बोलो, हम सेल्फ डिपेंड है, तो तुम्हारे पति की कोई भूमिका तुम्हारे जीवन में नहीं है? सेल्फ डिपेंड कहां, कदम कदम पर। केवल ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी को पति की जरूरत है, पति को भी पत्नी की जरूरत है, बल्कि कई मोर्चों पर देखने में ये आता है कि पत्नी से ज्यादा जरूरत पति को होती है। तो केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता पर्याप्त नहीं है, इस मानसिकता को बदलना चाहिए। हमें सेल्फ डिपेंड नहीं, हमारा जीवन ही एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है।
तो सामंजस्य बना करके चलना है, तालमेल बिठा करके चलना है। हमारे देश में तो दो देह एक प्राण की बात कही गई है, स्त्री को अर्धांगनी कहा गया है, अर्थात वह अपने भावनाओं विचारों से अपने पति के हृदय में राज्य करे। ये सब कब होगा? जब आपकी सोच नितांत भावनात्मक होगी, आप एक दूसरे की भावनाओं का आदर और सम्मान करोगे। आज तो कैलकुलेटिव हो गई, सब जोड़ घटाव से काम करते हैं, गुना भाग लगाते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर आज के दंपति दंपति कम गंपति ज़्यादा हो जाते हैं, उनका जीवन निभता नहीं खिंचता है, जैसे तैसे। ये जीवन का रस नहीं है, सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तब जीवन का रस प्रकट होगा। इसलिए इस तरह की मानसिकता ही उत्पन्न मत होने दीजिए। हम आत्मनिर्भर बने, ये अच्छी बात है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें किसी की जरूरत ही ना पड़े। अभी मैंने कहा स्त्री और पुरुष के बीच एक दूसरे की निर्भरता है। यदि मैं कहूँ तो पुरुष अगर कोई स्तंभ है तो स्त्री एक लता है। पुरुष एक स्तंभ की तरह है तो स्त्री एक लता की तरह है। स्तंभ से लिपट कर लता आसमान की ऊंचाई को छूती है, और लता के लिपट जाने से स्तंभ का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा सामंजस्य और भाव दशा बनाकर आगे बढ़े तो जीवन में बहुत खूबसूरती प्रकट होगी और जीवन का आनंद भी लिया जा सके। प्रत्यक्ष प्रश्न, पैसा मांगने में शर्म आता है, एक बात और है। पहली बात तो एक मैं पतियों से कहूँगा कि तुम्हारी अर्धांगिनी को पैसा मांगने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, समझ गए? हमने अनेक बुजुर्गों को देखा है, वो जी भर करके कमाते थे और आते ही कहते थे ले वो मालकिन को सौंप दो। हमने अपने जीवन में भी देखा है, मालकिन को सौंप दो, अर्थव्यवस्था वही संभाले। पर आजकल जमाना बदल गया है, एक ने कहा मैंने अपना बैंक एक्सिस दे दिया तो मामला ही बिगड़ गया। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास और सद्भाव हो तो ऐसी स्थितियाँ ही निर्मित नहीं होती। मूलतः शिक्षा और संस्कार ही उल्टे हैं, इसका ये सब परिणाम है। यदि हम अपने मौलिक संस्कारों को सुरक्षित रखें तो हमारे संबंधों के बीच अर्थ की कोई बात ही नहीं बचेगी, हम सीधे आगे बढ़ेंगे। हमें अर्थ की अपेक्षा परमार्थ को महत्व देना सीखना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पंडित सुदर्शन जी। तीर्थनाथ समेत शिखर में अवस्थित गुणातन किस भव्य प्रयोजन हाल में विराजित भव्यजनों और सभी श्रोताओं दर्शकों, आप जो यहाँ विराजमान हैं, यह गुणायतन गुरुदेव का मानस चित्र है जो कुछ ही माह में लोकार्पित होने वाला है। इसमें आपका योगदान महती भूमिका निभा रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने मन को यहाँ पर सजोया है, बनाया है और गुणायतन से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैं उन भव्य आत्माओं को बुलाऊंगा निर्वाण सारथी के रूप में, आशीष जी जैन बंट वाले, सुपुत्र श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश ने अपने आप को संबद्ध किया है। वे शीघ्रता से गुरुदेव के चरणों में आए, आशीष प्राप्त करें आशीष जी, और हम इनका सम्मान करके हर्षित होंगे। इनका सम्मान करने के लिए आदित्य जी जैन, हनी जी जैन, गुणातन समय संरक्षक कोलकाता प्रवासी, ऊपर आओ प्रवासी दुबई, वे सम्मान करने के लिए आ रहे हैं हर्ष आशीष जी का। आइए आ जाओ साथ में, आइए आदित्य जी, हनी जी, हर्ष जी एवं प्रीति जी अजमेरा। हर्ष जी आ जाइए, और आज अपने आप को गुणायतन के स्तंभ के रूप में इनको सम्मान कीजिए आप लोग।
आपकी ताने लगातार बजती रहे। इन्होंने अपने आप के अपने उद्दात भावों का परिचय दिया है। इनकी अनुमोदना आप निरंतर करते रहिएगा, आपकी भी अनुमोदना इसी तरह से निश्चित ही होगी। गुणातन के स्तंभ के रूप में अपने आप को जोड़ा है नरेश चंद जी, श्रीमती शारदा देवी जैन, अनंत रजनी जैन, अरिहंत ऋतु जी, सिद्धार्थ शिवानी जी, मनोज जैन, गणधर जैन, जयपुर राजस्थान ने। पूरे परिवार के साथ सीखते से आ जाएं, हम उनका अभिनंदन करेंगे। उनका अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी नोएडा। प्रदीप जी साहब जो ट्रस्टी गुणातन है नोएडा से हमारे बीच में है, गुणातन के सम्मानित ट्रस्टी हैं, वे सम्मान करेंगे श्रीमान नरेश चंद जी परिवार का। आइए आपकी तालियां लगातार इनकी सत्कार के लिए बजती रहे, गर्दन होती रहे। मैं एक सूचना के साथ इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहा हूं, यहां सम्मान होगा, आपकी तालियां बजती रहेंगी। ठीक है, 19 सितंबर से 28 सितंबर तक दस रक्षा पर्व के दौरान परम पूज आचार्य भगवान के परम प्रभावक शिष्य मुनिराज प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी सत्संग सानिध्य में यह बृहद श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीयन करा चुके हैं। पंजीयन की अंतिम तारीख थी 15 अगस्त है, आपके लिए 15 अगस्त तक अवसर है। जिन्हें इसमें आकर के अपने जीवन की विलक्षणता को प्राप्त करना है, वे अपना पंजीयन शीघ्र अति शीघ्र कर लें, 15 तारीख के पहले कर लें। मात्र 5100 की राशि आपकी सुविधा के लिए नियत की गई है। इसमें आपको आवास, भोजन, पूजन द्रव्य, पूजन वस्त्र की सारी व्यवस्था आपको मिलेगी 12 दिनों के लिए। अतः चूके ना यह अवसर, तीर्थराज सम्मेश्वर जी में गुरुदेव के सानिध्य में यह अवसर प्राप्त करके जीवन को धन करने का अवसर आपके समक्ष है, इसे ना चूकें। साथ ही एक सूचना और अद्भुत सूचना है, संहिता समाधान कार्यक्रम जिसे आप देख रहे हैं परसों 13 तारीख को 9 वर्ष पूरे करेगा। और इन 9 वर्षों की इस अद्भुत अनुपम कार्यक्रम को 9 वर्ष पूरे होने पर उस दिन विशेष सत्र होगा। उस विशेष सत्र में वरिष्ठ IAS मोटिवेशनल स्पीकर तनुश्री दिल्ली वे आएंगी और महाशीर से प्रश्न पूछेंगी। उस सत्र को देख करके अपने जीवन को धन्य कीजिए, अवश्य कीजिएगा, जरूर देखें। शाम 6:20 से 5 चैनल पर और रात्रि में 10 बजे से जनवाणी चैनल पर कार्यक्रम प्रसारित होता है। प्रमाणिक ऐप में भी आप देख सकते हैं कार्यक्रम पूरा लाइव। देखें आपको कितना आनंद आएगा, क्या मिलेगा, ये आप उस दिन ही जान पाएंगे। इसलिए उस दिन तनुश्री जी के माध्यम से जो IAS अफसर हैं, तनुजी जैन दिल्ली मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और IAS अफसर हैं, श्री गुरुदेव से श्री प्रश्न पूछेंगी। आप जरूर कार्यक्रम जहां भी हो समय सारे काम बंद करके उस कार्यक्रम देखें। और हमारे बीच में विकास जी जैन ब्यावर ट्रस्टी नहीं है, ठीक है अच्छा, विकास जी जैन ब्यावर से जो ट्रस्टी गुणायतन के भी आए और प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार रहें सिर्फ स्मृति जैन गुना। कागज पढ़ ले करे रे। विकासी जैन ब्यावर ट्रस्टी गुणायतन हम सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं, वे अपने प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार रहें स्मृति जैन गुना, अपने स्थान में खड़ी हो जाएं स्मृति जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा सवाल आज के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से संबंधित है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट का दौर चल रहा है, ऐसा सुन रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत विनाशकारी हो सकता है। एक बटन दबाते ही इतना कुछ हो सकता है जो सब हम सब फिल्मों में देखते हैं या कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे युग के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या मार्गदर्शन है, या जो अभी जस्ट जैसे हमारे जैसे या जो अब जस्ट सेटल हुए हैं या संघर्ष कर रहे हैं सेटल होने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम धर्म में कैसे उपयोग कर सकते हैं, धर्म को इससे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए बहुत ही सामयिक प्रश्न आपने खड़ा किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपलब्धि भी है तो एक चुनौती भी। पूरे विश्व पटल में इसको लेकर बहुत लंबी बहस हो रही, समस्त मानवतावादी संगठन इसको लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे
मनुष्य की उपयोगिता उतनी उतनी कम होगी। और जब मनुष्य की उपयोगिता कम होगी तो हमारे यहाँ एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। तो ये मनुष्य ही मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। हमें इसके ऊपर बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। पर मैं मानता हूँ कि अब इसे कोई रोक नहीं सकता। अब तो बहुत तेज़ी से लोग आगे बढ़ गए और मैंने तो सुना है सब चीज़ का जवाब अब चैट जीपीटी पे आ गया है ना। चैट जीपीटी और क्या है, बार बाट, हाँ गूगल बाट, ये जो चीज़ें हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छी बात है, सुविधाएं दी है, लेकिन ये मनुष्य को जब अनुपयोगी साबित करेगी तो बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए इससे बचने के लिए मेरे देखे दो स्तर पर प्रयास करना चाहिए। पहला कि हम इन सब स्थितियों को झेलने के लिए अभी से अपनी मानसिकता तैयार करें, और दूसरा कुछ ऐसी विधा विकसित करें जिसमें हमारी उपयोगिता बनी रहे। मनुष्य की उपयोगिता बनी रहनी चाहिए, वो कभी अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये सब विनाश का कारण बनेगा। और एक आध्यात्मिक क्रांति विकसित करनी चाहिए। इस तरह की टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से हमारी संवेदनहीनता भी बढ़ेगी, जिससे मनुष्य के जीवन में बर्बरता का विकास होगा। ये बहुत चिंता का विषय होगा, एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेगी, ऐसी समस्या जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब काम हमारी जगह टेक्नोलॉजी से, यंत्रों से हो जाएगा तो हम क्या करें। लेकिन एक बात समझने की है, सब काम यंत्र कर देगा, भोजन भी यंत्र बना देगा, पर खाना और पचाना तो हमें करेगा ही, और वो मनुष्य के लिए समस्या हो जाएगी कि फिर खाना कहाँ से आएगा और पचाएंगे कैसे। इसलिए हमें इस पर निर्भर होने की जगह हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, अपनी नैसर्गिक प्रतिभाओं को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए, यंत्रों पर निर्भरता घटानी चाहिए। आप लोग अनुभव कीजिए, जब तक आपके पास मोबाइल नहीं था, हर व्यक्ति को 200, 400, 500, 1000 नंबर याद रहते थे कि नहीं। अब कई लोगों को तो खुद का भी नंबर पता नहीं। आप जितना जितना संसाधनों पर निर्भर होगे, आपकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है उतनी उतनी कम होगी। तो मनुष्य बाहर से मजबूत दिखेगा, अंदर से उतना ही कमजोर होता जाएगा। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएं, अपने आप को कमजोर होने से बचाएं, उसके लिए आवश्यकता है हम इन समस्याओं के प्रति अभी से जागरूक उपस्थित हों। स्मृति जैन गुना से तैयार हैं गुणांजन के समय संरक्षक श्रीमान आदित्य जी हनी जी बेनाड़ा कोलकाता प्रवासी दुबई। साथ में उपस्थित होंगे श्री हर्ष जी प्रीति जी जैन अजमेरा हजारीबाग। महाराज श्री को त्रय बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि क्या हम सिद्ध चक्र विधान स्वयं कर सकते हैं बिना माता जी महाराज जी या भैया जी की अनुपस्थिति में? क्यों नहीं कर सकते, अगर विधि विधान का ज्ञान है तो कर ले। होता क्या, सिद्ध चक्र में कुछ करना थोड़ी होता है। मंडल की स्थापना करो और विधि पूर्वक विधान करो, सब हो सकता है। एक प्रश्न और है, जैसे लास्ट दिन 1024 अर्घ चढ़ाए जाते हैं तो सब लोग थोड़ी समय की कमी के वजह से आधे एक दिन चढ़ा लेते हैं, वो गलत है। सिद्ध चक्र विधान अष्टदिवसीय अनुष्ठान है, उसे 8 दिन में ही करना चाहिए और विधि विधान के अनुसार। ओम नमो आदित्य जी, श्रीमती हनी जी, श्रीमान हर्ष जी, प्रीति जी उपस्थित हो, प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं श्रीमान सिद्धार्थ जी, श्रीमती रत्नानी चेन्नई से समृद्ध और सानिध्य के साथ। इनके साथ राजेंद्र कुमार जी, सुषमा जी जैन, राघोगढ़ परिवार आप उपस्थित हो जाएं। प्रश्न पूछिए आप। हाँ,
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी जो टेक्नोलॉजी की बात हुई, तो पहले के ज़माने में होता था कि लोग सोशल नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे रखते थे, एक दूसरे की मदद करना, वो मतलब 50 लोगों से रोज़ मिलना, उठना बैठना सब कुछ होता था, और इतना अपनापन से लोग एक दूसरे का आगे बढ़ बढ़ के सेवा करते थे सब कुछ। आज मोबाइल के एक बटन पे पूरी दुनिया के साथ नेटवर्किंग है, सोशल्स है, कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, और जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं सोचते हैं लोग कि फेवर मांग रही है या हमारा ऑब्लिगेशन हो जाएगा, अप्रोच वाला काम कर रहे हैं, उनका एहसान ले लेंगे हम अगर उनसे मदद मांगे। तो ये वर्ल्ड क्लास कॉन्टैक्ट होने के बाद भी हम वो अपनेपन के थ्रू क्यों उनसे कनेक्ट नहीं होते, जबकि रोज सोशल गेट टुगेदर्स हैं। इसका अगर उत्तर दूं तो केवल दो शब्दों में दूंगा, संपर्क बढ़ रहा है, संबंध घट रहा है। पहले हमारे संबंध रहते थे, अब संपर्क। संबंध तब बनता है जब परस्परता, प्रेम और आत्मीयता जैसी उदात्त भावना जुड़ती है। संपर्क तो बस साथ रहना है, साथ हैं पर किसी का किसी के साथ साथ नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। संपर्क और संबंध में मौलिक अंतर है। संबंध होता है दूध और पानी जैसा, दूध पानी में मिल जाता है, पानी दूध में मिल जाता है, दूध पानी को मिला लेता है और पानी दूध में मिल जाता है, दोनों का वजूद बना रहता है, दोनों मिलके एक मेक हो जाते हैं, ये है संबंध। और संपर्क है तेल और पानी जैसा, एक साथ रह करके भी तेल अलग बना रहता है और पानी अलग बना रहता है। साथ होकर जहाँ हम एक हो जाए वो संबंध, और साथ रहने पर भी अपनी अलग एंटिटी बनाए रखे वो संपर्क। आज इस टेक्नोलॉजी ने संपर्क तो बढ़ाया है, संबंध को मिटा दिया है, घटा दिया है, क्योंकि इसका असर हमारी संवेदना पर पड़ा है, और बढ़ती हुई जो संवेदनहीनता है उसने हमारी सोच को अत्यंत संकीर्ण और चित्त को अनुदार बना दिया। परिणाम हम सबके सामने उपस्थित हूँ। श्रीमान सिद्धार्थ जी, श्रीमती रत्नानी जी चेन्नई से समृद्ध और सानिध्य के साथ, साथ ही तैयार रहेंगे राजन राजन जी, सुषमा जी जैन राहुगढ़, और तैयार रहेंगे प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए आशी जैन गुना से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि पुण्योदय का संबंध बाहर में प्राप्त सुख सामग्री, धन संपदा आदि से है या व्यक्ति की मानसिक स्थिति से है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका आशय समझ गया। आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने पूछा पुण्योदय का संबंध बाहरी साधनों संपत्ति से है या मानसिकता से। सवाल करता हूँ, हमारा पुण्योदय दिखता है कि नहीं, बोलो? दिखता है महाराज जी। हमारे पास कोई धन संपत्ति है क्या? नहीं महाराज जी। कोई सुख साधन है क्या? नहीं महाराज जी। कोई ठाट बाट है क्या? नहीं महाराज जी। पुण्योदय है कि नहीं, बोलो? पुण्योदय है महाराज जी। उत्तर मिल गया जी, कि और बोलने की जरूरत है? नहीं महाराज जी, क्लियर हो गया। यही प्रमाण है, क्या है? यही प्रमाण है, समझ में आ रही ना बात? कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अब मैं वापस तुम्हारे सवाल पर आता हूं। ये बात सही है कि पुण्य संसाधनों को देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पुण्य का काम केवल बाहरी संसाधनों को देना है। पुण्य दो तरह का होता है, एक निरतिशय पुण्य और एक सातिशय पुण्य। बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। निरतिशय पुण्य और सातिशय पुण्य। निरतिशय पुण्य केवल संसाधन देगा और सातिशय पुण्य
संसाधनों के साथ सद्बुद्धि देगा। जिनका निरतिशय पुण्य होगा वो अपने पुण्य के भोग में अंधा होकर दुर्गति का पात्र बनेगा। वो भोगी, विलासी, कामी, क्रोधी, अभिमानी होगा। लेकिन जिनका सातिशय पुण्य का उदय होता है उसकी सद्बुद्धि होगी, उसकी बुद्धि निर्मल होगी और ऐसा व्यक्ति अपने उपलब्ध पुण्य के फल का त्याग कर धर्मानुरागी बनेगा, सेवा परोपकार जैसे गुणों को अपनाएगा, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाएगा, त्याग तप संयम उसके जीवन का मूल होगा जो उसकी भावी सदगति का आधार हो। समझ गए? हमारे पास पुण्य था, अगर आम जनों जैसी सोच होती तो आज मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बनकर के जीता, उससे कम तो शायद नहीं होता। अगर तुम जैसे लोगों की होती तो मैं किसी कंपनी का, बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बनकर के जीता, लेकिन मैंने अपने स्वरूप को जाना, उसे जड़ समझा, उससे मुंह फोड़ा, मुंह फेरा तो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना, पर तीन लोक के इंद्र जिनको नमन करते हैं उस पंच परमेष्ठी में स्थान पाने का अधिकारी है। श्रेष्ठ क्या है? समझ में आई बात? तो यदि तुम्हारे लिए कोई अच्छे संसाधन मिले हैं तो मानना ये मेरे पुण्य का फल है, लेकिन इसकी सार्थकता तब है जब मेरी बुद्धि निर्मल हो। समझ गए? पुण्यवान वो नहीं जिसकी इच्छाएं सफल हो, पुण्यवान वो है जिसकी इच्छा निर्मल हो। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पुण्यवान वो नहीं जिसकी इच्छाएं सफल हो, पुण्यवान वह है जिसकी इच्छा निर्मल हो। समझ गए? तो अगर इच्छाएं सफल हो रही है तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इसे निर्मल बनाने की शक्ति और दे दो, जीवन धन्य हो जाए। तुम्हारे पास पुण्य होगा तो हो सकता है लोक में तुम्हारी कुछ प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन यदि तुम पुण्य के त्याग करोगे तो लोक में तुम्हारी पूजा होगी। क्या बोल रहा? पुण्य का योग होगा तो हो सकता है लोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, लेकिन यदि तुम अपने पुण्य का त्याग करोगे तो लोक में तुम्हारी पूजा होगी। समझ गए? हमारे अरहंत परमात्मा को क्या कहा जाता है? पुण्य फला अरिहंता। वो पुण्य के फल रूप होते हैं, पुण्य की प्रतिमूर्ति, लेकिन वे उन सबको त्यागते हैं। लक्ष्मी विभव सर्वस्व मुमोक्षोश चक्रलांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम च जरतृण मिवाभवत। कि हे भगवान, आपके लिए लक्ष्मी, आपका ये वैभव, ये आपका चक्रवर्तित्व, सार्वभौम, एक छत्राधिपत साम्राज्य आपको कैसा प्रतीत हुआ? जीर्ण शीर्ण तिनके के समान। आपने सब छोड़ दिया, तिनके के समान भी नहीं, जीर्ण शीर्ण तिनके के, यानी तिनका तो फिर भी काम का है, झाड़ू बनाने के काम में आ जाए, जीर्ण शीर्ण तिनका तो उसके लायक भी नहीं है। सच्चे अर्थों में जिन ठीकरों को तुम बटोर रखे हो वो तिनके से भी गया बिता है। जो सत्य को जानता है वो इस मृणमय वैभव का मोह छोड़ता है और अपने भीतर के चिन्मय वैभव को पाने का उपक्रम करता है। वह केवल पुण्य का फल नहीं पाता, जीवन को पुण्यमय बना लेता। उपस्थित हो आशी जैन, गुना से आशी जी, आशी जैन उपस्थित हो जाएं, इसका सागर से सुनील जी के साथ, रश्मि जी के साथ, आशी सागर तैयार हैं। सी ए जूही मोदी अपने स्थान में खड़े हैं। सीखता से सीखता कीजिए। महाराज श्री के चरणों में जूही मोदी, महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं लेफ्ट हैंडी हूँ और मैं सारे काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ, तो मंदिर जी में जब मैं द्रव्य चढ़ाती हूँ तो मुझे वो लेफ्ट हैंड से चढ़ाना चाहिए कि राइट हैंड से चढ़ाना चाहिए? दो ही हाथ से चढ़ा तो झमेला खत्म, समझ गए? और मैं कहूँ दाएं से चढ़ाओ चाहे बाएं से, पर दायां बायां करने की आदत से बच जा, समझ गए? चलिए महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न। जूही मोदी उपस्थित हो, तैयार हैं शरद कुमार जी, सरिता जी, सौमिल जी जैन गोटेगांव। शरद जी, सरिता जी, सौमिल जी गोटेगांव उपस्थित हो जाए अपने स्थान में, जिनके नाम ले रहा हूँ अपने स्थान में सीधे से खड़े हो जाया करें। प्रशांत सागर जी, परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज के परिजन, शरद जी, सरिता जी, सौमिल जी जैन गोटेगांव, तैयार हैं श्रीमती सुरभि जैन सिरोंज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मैं अभी गुड़गांव में जॉब पर हूँ, इसके पहले मैंने टोक्यो में भी कुछ समय काम किया है। मेरे को हमेशा एक दुविधा रही है कि मेरे से कोई पूछता है कि जैन धर्म क्या है, जिसको नहीं पता, अगर उसको सिंपल शब्दों में जैन धर्म के बारे में समझाना हो तो कैसे समझाए? बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत अच्छा सवाल है और ये इसका उत्तर हर जैन के पास होना चाहिए। अगर कोई पूछता है जैन धर्म क्या है, तो ज़्यादा विस्तार से नहीं, केवल चार वाक्यों में जैन धर्म की बात आप कर सकते हैं। जैन धर्म क्या है तो पहले बोलो, सहस्तित्व और संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाकर जियो और जीने दो का मार्ग बताने वाला धर्म जैन धर्म है। सहस्तित्व और संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए जियो और जीने दो का मार्ग बताने वाला धर्म जैन धर्म। अनेकांत और शादवाद का पाठ पढ़ाकर वैचारिक सहिष्णुता बढ़ाने वाला धर्म जैन धर्म। सबके साथ सामंजस्य बनाकर, सबके साथ तालमेल बनाकर, सबसे हिल मिलकर जीने की कला सिखाने वाला धर्म है जैन धर्म, समझ गए? ये अनेकांतवादी दृष्टि है। अपरिग्रह का आदर्श बताते हुए सामाजिक समता का आधार बनाने वाला धर्म जैन धर्म है। और त्याग संयम को आदर्श बताकर अपनी वृत्ति को भोगोन्मुखी होने से बचाने का नाम जैन धर्म है। या ये दूसरे शब्दों में कहें कि सब प्रकार के आडंबरों से रहित अहिंसा, संयम और तप में जीवन जीकर जीवन को परिष्कृत करने वाला धर्म जैन धर्म है। आप इन चार वाक्यों में जैन धर्म के बारे में बता सकते हैं। उपस्थित हों श्रीमती सुरभि जैन, तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची सुसाल का मंत्री मायतन। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी उपस्थित हो जाएं। तैयार हैं आर्या एवं स्वाति जैन सतना से। चलो बोलो जल्दी। चंद्रकला जी पाटनी, हाँ बोलिए। आर्या एवं स्वाति जैन तैयार हैं, आपके सामने खड़ी हो जाएं। आर्या स्वाति सतना लीजिए, बोलो। आप बोलिए। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, किसी व्यक्ति को अगर हसरत से चलने की, अगर किसी व्यक्ति को फक्र से चलने की हसरत हो तो उसे अपनी गर्दन कितनी झुका करके चल, अगर किसी व्यक्ति को गर्व से चलने की हसरत हो तो उसे अपनी गर्दन कितनी झुका कर चलनी चाहिए? अगर फख्र से चलने की हसरत हो तो अपनी गर्दन कितनी झुका करके चलना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ, सच्चे अर्थों में फख्र उसी को मिलता है जो औरों की फिक्र करके जीता है। क्या फख्र वही पाता है जो औरों की फिक्र करता है? इसलिए मैं कहूँगा कि यदि तुम्हारी हसरत है कि मैं फक्र से जीऊं, तो कुछ मत करो, औरों की फिक्र करो, केवल अपनी ही मत देखो, अपनों के अलावा औरों को भी देखो, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनो। आर्या एवं स्वाति जी उपस्थित हों सतना से, तैयार हैं श्रीमती नीतू जी पाटोदी रूबी जी काकी जी साड़म से। त्रैवार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब भी कोई नया कार्य या अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं तो मन में दुविधा क्यों उत्पन्न होती है? ये स्वाभाविक है, जब भी कोई नया कार्य करेगा, पुराना कोई अभ्यास नहीं और हमने अतीत के अनुभवों का कोई लाभ नहीं लिया, हमारा मनोबल कमज़ोर होता है, आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। तो मनोबल के कमज़ोर होने या आत्मविश्वास के कमज़ोर होने के कारण ऐसी दुविधाएं आ जाती,
जिनका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है, मनोबल ऊंचा होता है, वो ऐसी दुविधाओं से मुक्त हो जाते हैं, उनके सामने ऐसी समस्याएं शेष नहीं करती। हाँ और है, पूछ लो, तुम भी पूछ लो स्वाति। इसके बाद हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। महाराज जी, मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई करने में इतनी मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते हैं, लेकिन कभी परिणाम अपेक्षित नहीं मिलता, तो जो दुख होता है उसको कैसे वो करें? देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रही हो शायद ना, क्या पढ़ रही हो? महाराज जी, अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ, पर फिर भी देखिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, अभी तो तुमने शुरुआत की, हो सकता है कल IIT के लिए दो, हो सकता है आगे बढ़ करके तुम UPSC के लिए दो, हताश नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केवल एग्जाम नहीं, एक प्रतियोगिता भी, तो उस प्रतियोगिता में हर कोई तो सफल नहीं हो सकता। किसी भी कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में जाओगे तो तय है कि सीटें जितने अवेलेबल है उतने ही लोगों को अवसर मिलेगा, बाकी को तो वंचित होना ही पड़ेगा। तो ऐसे समय में मायूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि मन में इस बात का हर्ष होना चाहिए कि कम से कम हम इस लायक तो बने, दूसरे तो उस लायक भी नहीं हो। और हमेशा एक बात समझना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, कैरियर केवल उस उन्हीं का नहीं है, औरों का भी है। कैरियर तो व्यक्ति अपनी प्रतिभा और कुशलता से कहीं भी बना सकता। ये बात सही है कि हम जिस क्षेत्र में जाएँ अपना 100% लगाएँ और 100% पाने का प्रयत्न करें, पर पर्याप्त प्रयत्न करने के उपरांत भी यदि परिणाम ना आए तो जो मिला है उसे सहज भाव से स्वीकार करें। उपस्थित हो नीतू जी पाटवादी रूबी जी के साथ काके जी, और तैयार हैं प्रति में हैं अंजना जी जयपुर। दोनों महाराजों को नमस्तु, छुलक जी अलग जी को इच्छामी है। महाराज, रात में 5 मिनट का जो भावना योग करते हैं उसमें बोला जाता है कि हम शयन करने जा रहे हैं, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आप जगा देना, आपका दर्शन करते हुए जाना चाहते हैं, तो क्या वो मरा हुआ आदमी जाग जाता है? हाँ, किसको बोलते हैं? हम अपने भीतर बैठे प्रभु को बोलते हैं, जो 24 घंटे हमारा ख्याल रखता है, अब वो हमें जगाएगा, बिल्कुल जगाएगा, विश्वास रख। आइए प्रतिभा जयपुर से तैयार हैं महिमा सराफ मुंगावली से। महिमा सराफ मुंगावली, दोनों गुरुओं के चरणों में नमस्तु, खुल्लक जी महाराज जी के समारोह में इच्छा में। महाराज जी, सुभमति माता जी ने पूछा था, नंदीश्वर दीप में मान स्तंभ होते हैं कि नहीं होते हैं, और होते हैं तो कितने होते हैं? देखिए, नंदीश्वर दीप के जो अकृत्रिम जिनाले हैं उन जिनालियों में मान स्तंभ का भी वर्णन है, जो बाहरी हिस्से में होते हैं, चारों दिशाओं में। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुमारी निशी जैन, सुपुत्री राकेश जैन इंदौर, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। महर्षि, मेरा क्वेश्चन ये है, जो असंगी पंचेंद्री जीव होते हैं वो पहले नरक तक जाते हैं, और जो संगी पंचेंद्री जीव होते हैं वो सातवें नरक तक जाते हैं, तो मन होना अच्छा है या बुरा? असंगी पहले नरक तक जाते ये तो तुमने बोला, और संगी सातवें नरक तक जाते ये तो बोला, पर ये क्यों नहीं बोला कि संगी ही मोक्ष जाते हैं? बोलो, आप बताओ क्या पूछोगे, समझ में आ गई? चलिए, कुमारी निशी जैन, सुपुत्री राकेश जैन इंदौर, तैयार रश्मि जैन अशोक नगर। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, एलक जी छुल्लको के चरणों में छामी। मेरा प्रश्न ये है कि बड़े शहरों में गुरुओं का सानिध्य न मिले तो हम बच्चे कैसे संस्कारित हों? अच्छा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। अगर सीधे जाकर के नहीं ले सकते तो वर्चुअली तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते? नियम ले लो, सप्ताह में एक दिन महाराज का प्रवचन सुनेंगे, एक दिन प्रवचन नहीं सुन पाए शंका समाधान सुनेंगे, और ऐसा मान करके सुनेंगे कि लाइव सुन रहे हैं। मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ गए? चलिए, रश्मि जी अशोकनगर से उपस्थित हूँ, उसकी पूर्व पुनः सूचना, दिनांक 13 अगस्त को शंका समाधान इस कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस दिन का सत्र विशेष सत्र होगा, जिसमें वरिष्ठ IAS ऑफिसर एवं मोटिवेशनल स्पीकर तनुजी जैन दिल्ली गुरुदेव से प्रश्न पूछेंगी, और उस सत्र को मैं चाहता हूं कि आप देखना ना भूलें।
6:20 से 7:20 का टाइम निर्धारित करने, फिक्स करने, सारे कामों को विराम दे दें और अवश्य देखें इस कार्यक्रम जहां जहां मेरी आवाज सुन रहे हैं लोग, 6:20 से 7:20 13 तारीख को इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें, अवश्य देखें। उपस्थित हों निशी रश्मि जी अशोकनगर से, तैयार हैं अनुजी जैन टीकमगढ़ से। अनुजी महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग अपने घरों के आसपास जो पेड़ पौधे लगाए रखे रहते हैं उनको अपशगुन या बुरा समझकर कटवा देते हैं, ये कहाँ तक सही है, इन्हें कटवाना चाहिए या नहीं? एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी मैंने सवेरे सवेरे गधा का दर्शन कर लिया, ये मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा? मैंने सवेरे सवेरे गधे का दर्शन कर लिया, मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा? हमने कहा तेरी तू जान, पर गधे के लिए तो बुरा होगा। अब तुम कह रहे हो सकून अब सकून, पेड़ का तो अब सकून हो ही गया, उसके तो प्राण ही चले गए। मुझे समझ में नहीं आता, लगाने के पूर्व ही ये सब चीजें विचार करना चाहिए, लगाने के बाद। निखिल जी जैन बिना से यदि हो तो अपने स्थान में उपस्थित हो जाए दृष्टि गुणायतन, और तैयार रहे अनु उपस्थित हो अनु जी जैन टीकमगढ़, तैयार रहेंगे आकृति जैन गौर झामर, आकृति गौर झामर तैयार रहेंगे। महर्षि के चरणों में नमोस्तु, चुलक जी एलक जी के चरणों में इक्षामि। महर्षि एक लड़की की शादी उसकी उम्र देख के करनी चाहिए या फिर जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाए तब तक? पैरों पर खड़ी होने का मायना क्या है? अभी तो पैरों पे ही खड़ी है, सिर पे तो नहीं खड़ी। बोलो पैरों पर खड़ी होने का मतलब क्या है? बोलो महर्षि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या फिर उसका इतना ब्रेन डेवलप हो जाए जब तक वो चीजें वो समझने लगे कि हाँ ठीक है, एक परिवार को हैंडल करने लगे। एक बात बोलूं, ज्यादा समझने के कारण ही तलाक हो रहे। तुम्हारे प्रश्नों का बहुत सारा उत्तर मैं पहले के प्रश्नों में दे दिया है, मैं समझता हूँ आशय समझ। जैन धर्म के अनुसार कन्या का विवाह होना चाहिए और कन्या 20-22 साल की उम्र तक होती, ग्रेजुएशन कर लिया पर्याप्त। आजकल क्या होता है 25 के बाद तो सोचते हैं तब तक वो परिपक्व युवती बन जाती, कन्या ढल जाती है, युवती ढलती नहीं, ईगो क्लैश होता है, ये बहुत बड़ी समस्या होती। एक लड़की को परघर में जाना है जहाँ उसको सारे रिश्ते नए स्तर पर बनाना है, उसके लिए उसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यदि उसकी बौद्धिकता बढ़ जाएगी तो चीज़ों को पचा नहीं पाएगी, और जब तक उसके अंदर की भावनाएं प्रबल होगी बहुत अच्छे से निभाएगी। लेट मैरिज के पीछे एक और भी लोग कह रहे हैं कि आजकल इशूज के पीछे डॉक्टरों की लाइन लगानी पड़ती, अगेंस्ट द नेचर जाओगे तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ 20-22 साल की उम्र होते होते विवाह हो जाना चाहिए, और अगर पढ़ाई करना है तो विवाह के बाद भी हो। और एक बात हो सकता है मेरी बात आप लोगों को अच्छी ना लगे, पर मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, आजकल विवाह नहीं होता बाकी तो सब होने लगता है, बाकी सब होने लगा है, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा प्रतिशत में नहीं है, लेकिन मेरी बात को मुझसे अच्छा तुम समझती होगी, गड़बड़ियां हो रही है ना। तो उन सबसे बचने का रास्ता यही है कि हम शास्त्र विहित मार्ग से चलें और अपना भावी जीवन उज्जवल बनाएं, निर्मल बनाएं, सुखी और शांत बनाकर जिए, अंधानुकरण से बचें। नमस्ते महाराज। आकृति जैन गौरहमार से, और तैयार है श्रीमान रिंकू जी जैन गुना से। रिंकू जी गुना नहीं है, दूसरा बोलो। रिंकू जी हैं, रिंकू जैन उपस्थित हूँ। नहीं, अगला बोलो। नहीं, आशीष जैन खनिया धाना, श्रीमती ज्योति जैन खनिया के साथ उपस्थित हो जाएं। आशीष जी नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री धर्म मार्ग में स्थिरता बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? धर्म मार्ग में स्थिरता बढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका है कि बैटरी को चार्ज रखो, और बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना है, क्या करना है? बैटरी कहाँ चार्ज करते हो अपने मोबाइल की? चार्ज पे, पावर पॉइंट पे ना, पावर पॉइंट पे। तो बस अपनी बैटरी को चार्ज रखो, और बैटरी को चार्ज रखने के लिए पावर पॉइंट से जुड़े रहो,
और धर्म का पावर पॉइंट कौन है? सच्चे देव सतगुरु का दरबार है, उनसे जुड़े रहो। जय हो महाराज। सच्चे देव सतगुरु से जुड़े रहोगे सारा काम अपने आप बना रहेगा। तो ऐसी चीजों को बना करके रखोगे तो जीवन आगे बढ़ सकेगा। आज समय आप सबका हो रहा है, जैसा अभी आपको बताया गया, आगामी 13 तारीख को शंका समाधान के 9 वर्ष पूरे होंगे, 10वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। आप इसी तरह की भावनाएं अपनी बनाए रखें, और मैं तो चाहता हूं आप सबकी शंकाएं मिट जाए ताकि समाधान को प्राप्त कर सकें। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज महामना मुनि सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrustee.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप कोलकाता। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्या सागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दमार श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रिहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्या सागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्या सागर रोडवेज नागपुर, बेटी भाई धन्नालाल कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधु अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधु रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी,